हेलो ऑल, आज हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का कंसेप्ट देखा था, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाना रहता है तो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3:2 का उनका रेशियो था, मतलब 3/5, 2/5। कैपिटल ए का 50,000, बी का 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। 50,000 का 6%, 30,000 का 6% कैलकुलेट करना है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500। बी को एनुअल सैलरी 2,500 की देनी थी। During the year profit prior to interest on capital but after charging B's salary amounted to ₹12,500। Profit आपका 12,500 का हुआ था, लेकिन ये जो profit आया है 12,500, इसमें आपको interest on capital देना बचा है, लेकिन ये profit आपने B की salary काटने के बाद आया है। इसका मतलब conceptually देखा जाए तो ये profit में से B की salary already minus हो चुकी है। ठीक, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट्स का 5% जो है आपको मैनेजर को कमीशन देना था। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाना है, एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए क्या था, मैनेजर्स कमीशन आपको देना बचा है। मैनेजर को जो कमीशन देना रहता है ना, वो चार्ज है, और वो देने के बाद जो प्रॉफिट्स आएगा उसमें से आपको फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, ये सब। इस क्वेश्चन में हमको जो प्रॉफिट दिया है 12,500 का, उसमें से मैनेजर का कमीशन आपने नहीं दिया था, लेकिन पार्टनर को सैलरी आपने दे दी थी, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैनेजर को कमीशन पहले देना है उसके बाद सैलरी देना है, और आपने सैलरी पहले दे दी है और कमीशन नहीं दिया है। करके जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखे 12,500, तो वापस आपको इसमें बी की सैलरी जो आपने दे चुकी थी उसको प्लस करना है 2,500 को। 12,500 में 2,500 प्लस हुआ तो ये 15,000 आया। उसमें से 5% आपको कमीशन देना था मैनेजर को। 15,000 का 5% हुआ 750, माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचा 14,250 का। ठीक है, ये है आपका रियल प्रॉफिट्स, इसमें सब आपको पार्टनर लोग को देना है। ठीक, तो पहले हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल 50,000 का 6% 3,000, 30,000 का 6% 1,800, मिला के आया 4,800 का। सैलरी अब देंगे हम बी को 2,500 का, ना पहले दिए थे वो आपने गलत किया था, उसलिए आपने वापस प्लस करना पड़ा, फिर मैनेजर को कमीशन देना पड़ा, तब जाके आपका रियल प्रॉफिट आएगा, उसमें से आपको इंटरेस्ट और सैलरी देनी है। ठीक, अब क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस करने के बाद बचा 6,950 का। 3:2 का रेशियो था तो 6,950 का 3/5 और 2/5 निकालें। ए का प्रॉफिट आया 4,170 और 2,780 का। आगे देखते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले जितना बैलेंस था ए और बी का 50,000 और 30,000, ये आपने लिखा। इंटरेस्ट था 3,000 का और 1,800 का बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आया बाय सैलरी, बी की जो सैलरी थी, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो ए और बी का प्रॉफिट का हिस्सा आया था वो। डेबिट साइड में कुछ तो था नहीं, ड्राइंग्स वगैरह, टोटलिंग करके आपने बैलेंस निकाला। ए का बैलेंस आया 57,170, बी का बैलेंस आया 37,080।